हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर इन दिनों जहां एक तरफ लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार द्वारा शादी विवाहों में भीड़ ना हो इसलिए इस पर पूर्णतः रोक लगाई गई है व किसी परिवार में अप्रिय घटना या देहांत हो जाता है वहां पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो इसके लिए भी व्यक्तियों की संख्या तय की गई है। उससे ज्यादा पाए जाने पर उन पर चालान व पेनल्टी लगाकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार व जिला प्रशासन ये व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं कि शहर भर में टीकाकरण के लिए उचित स्थानों को चयनित कर आम जन का आराम से बिना भीड़ भाड़ किए ही टीकाकरण किया जा सके। बाड़मेर में पिछले कुछ दिनों से चल रहे टीकाकरण रजिस्ट्रेशन में अनियमितता के चलते आम जन घंटों घंटों मोबाइल लैपटॉप में नजर गड़ाए बैठे रहते हैं और अंत में निराशा मिलती है और पता चलता है कि वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ और एक मिनट में ही सब कुछ बुक हो गया और हम आज भी पीछे रह गए। जहां एक तरफ आम जन परेशान है वहीं दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा बिना किसी व्यवस्था के शहर भर में सिर्फ 3 जगह टीकाकरण कैंप लगाए जा रहे हैं और वहां पर भी करीब 50 टीके प्रतिदिन लगाए जा रहे हैं जिस वजह से शहर भर की भीड़ उन स्थानों पर उमड़ जाती है और भारी भीड़ के इकट्ठा होने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वार्ड वाइज टीके लगवाने के कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और एक दिन में कम से कम 8 से 10 जगह शिविर लगाए जाने चाहिए जिससे उस क्षेत्र के लोगों को अन्य जगह न जाना पड़े और भीड़ भी कम हो। आज जो शिविर नगर परिषद में चल रहा है इससे ये साबित होता है कि हर गुनाह के लिए आम जन को पेनल्टी लगाई जाती है और सिस्टम खुद लापरवाह बना बैठा है। मेरा मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि सत्य को निष्पक्षता के साथ दिखाइए ताकि सरकार की भी आंखें खुले और सिस्टम में सुधार आ सके, अन्यथा आम व्यक्ति इसी तरह लाइनों में लगा नजर आएगा। ये लाइनें नोटबंदी की लाइनों से ज्यादा गंभीर है, यहाँ संक्रमण और जान का खतरा भी है। ये बात आप और हम क्यों भूल जाते हैं जबकि नोटबंदी के समय आप छोटी छोटी लाइनों को लेकर भी भीड़ भीड़ खबर छापते थे। इस पर आपको आगे आना चाहिए और आम जन की आवाज को उठाने व उसको बुलंद करने में हम सबको सहयोग करें। ये मानवता के नाते हम सबका धर्म बनता है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।